हेलो माय डियर स्टूडेंट आज हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर सोइल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कड़ों पर अवशोषित हाइड्रोजन आयनों के कारण उत्पन्न अम्लता को क्या कहते हैं इसका राइट आंसर है संचित अम्लता अगला क्वेश्चन अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती इसका है, कम है इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर सभी अगला क्वेश्चन शुष्क क्षेत्रों में मृदा कौन सी होती है इसका राइट आंसर है लवड़ी मृदा अगला क्वेश्चन मृदा के कुल आयतन का जल प्रतिशत कितना होता है इसका राइट आंसर है 25 परसेंट अगला क्वेश्चन मृदा के कुल कार्बनिक का प्रतिशत में ह्यूमस प्रतिशत कितना होता है इसका राइट आंसर है 80 परसेंट अगला क्वेश्चन मृदा निर्माण वितरण और गुण का अध्ययन समय किया जाता इसका right है इसका राइट आंसर है पोडोलॉजी में अगला क्वेश्चन के अनुसार कड़ों को आकार के अनुसार कितने भागों में बांटा गया इसका right है? इसका राइट आंसर है सात भागों में अगला क्वेश्चन कोबल्स के कड़ों का आकार कितना होता इसका right है इसका राइट आंसर है चौसठ से दो सौ छप्पन मिमी अगला क्वेश्चन छारे मृदाओं में विनिमय सेल सोडियम कितना पाया जाता है इसका राइट आंसर है पंद्रह परसेंट से कम अगला क्वेश्चन कौन से प्रकार की मृदाओं को यांत्रिक विधियों द्वारा सुधारा जा सकता है इसका राइट आंसर है रहली भूमि अगला क्वेश्चन छारी मृदाओं के सुधार के लिए कौन सा मृदा सुधारक काम में लेते हैं इसका राइट आंसर है जिप्सम अगला क्वेश्चन गुलम फिर लवड़ जिस में पाए जाते हैं इसका राइट आंसर है लवड़ी मृदा अगला क्वेश्चन सर्वाधिक क्षारीय भूमि के प्रतिसंय फेल फसल कौन सी है इसका राइट आंसर है चौ अगला क्वेश्चन क्षेत्र धारण क्षमता सिंचाई के कितने घंटे बाद ज्ञात की जाती इसका रहा है इसका राइट आंसर है 48 से 72 घंटे बाद अगला क्वेश्चन न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया इसका राइट आंसर है लिबेक ने अगला क्वेश्चन बालू बालूमट मदाख क्या है इसका राइट आंसर है बालू तैतालीस से अस्सी परसेंट जीरो से पचास परसेंट क्ले जीरो से बीस परसेंट अगला क्वेश्चन खेती की दृष्टि से कौन सी मृदा संरचना सबसे उपयुक्त होती है इसका राइट आंसर है क्रमनी क्रम क्रम बी क्रम बी अगला क्वेश्चन सर्वाधिक सी ए सी किस में होती इसका है इसका राइट आंसर है कोलाइड्स में अगला क्वेश्चन मृदा का कड़ा मध्या का कड़ा घनत्व कितना होता इसका? Right है इसका राइट आंसर है दो पॉइंट छ पाँच ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब अगला क्वेश्चन कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व कितना होता है इसका राइट right आंसर है कम होता है अगला क्वेश्चन भू परसीकरण से कण घनत्व पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका राइट आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता अगला क्वेश्चन सिल्ट दोमट मृदा क्या है इसका राइट आंसर है बालू जीरो से पचास परसेंट सिल्ट पचास से अट्ठासी परसेंट क्ले जीरो से सत्ताईस परसेंट अगला क्वेश्चन मरदा में सीमेंटिंग एग्जिट कौन सा है इसका राइट आंसर उपयोग सभी अगला क्वेश्चन मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है इसका राइट आंसर है एक पॉइंट तीन तीन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब अगला क्वेश्चन कड़क घनत्व सर्वाधिक किसमें होता है इसका राइट आंसर क्ले में अगला क्वेश्चन कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कड़ घनत्व कितना होता है इसका राइट आंसर कम होता है वालों में रंध्रता प्रतिशत कितना है इसका राइट आंसर चालीस अगला क्वेश्चन, क्ले में प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट है अट्ठावन परसेंट अगला क्वेश्चन रंग के रंग के गहरे व हल्के होने किस को दर्शाता है विल्लू को अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन में आयरन की अधिकता होने पर आयरन हाइड्रोजन मैदान में आयरन की अधिकता होने पर रंग क्या होता है इसका राइट right आंसर पीला अगला क्वेश्चन मैदान में ओटो की अर्थात ऑक्सीजन की कितनी मात्रा प्रतिशत है इसका राइट आंसर बीस पॉइंट पॉइंट छः परसेंट अगला क्वेश्चन मर्दा में जल किस बल से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बना रहता है इसका राइट आंसर है आपको देना है कमेंट बॉक्स में वीडियो को ज्यादा शेयर करें